हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं बात कर रहा हूँ अलीराम में और आप देख रहे हैं एयरबर्ड्स मेरे यूट्यूब चैनल। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में शटरिंग का काम चल रहा है, मेरी छत बनने वाली है, तो मैं आप सबको दिखाता हूँ। अभी वो क्या कहते हैं रेत आई है और ये देखें जी पूरी ट्रॉली भर के, और ये जी उतार रहे हैं इस तरह से यहाँ पे। देखिए जी कुछ सरिया यहाँ पर पड़ा है, बाकी तकरीबन सारा छत के ऊपर चला गया। मैं छत के ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। शटरिंग सारी बांध दी है तकरीबन, और आज मैं बताता हूँ आपको तरीका क्या है, किस तरह से ये बांधते हैं ये दिखाता हूँ। हमारी सीढ़ी है जी, ये जो यहाँ से चढ़ती है, यहाँ से अभी फ़िलहाल सीढ़ी बनाई नहीं है इसलिए चढ़ना यहाँ से ज़्यादा मुश्किल है। मैं चढ़ के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जो काम करते हैं यहाँ पर नीचे लकड़ियों ऐसे बांध देते हैं, ठीक है, छत सी बना देते हैं लकड़ियों से, और उसके ऊपर ये सारा सरिया डालते हैं। और सरिये को बिल्कुल ऐसे एक एक फुट के फासले पे, तकरीबन एक फुट होगा ये, हाँ तकरीबन एक एक फुट के फासले पे सारा सरिये का जाल बिछाते हैं। और उसके बाद हम जाल बिछा दिए तकरीबन, और यहाँ पर शॉपर लगा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे मेरे कमरे पे कमरा आएगा, और उस तरफ भी बहुत बड़ा सारा सेन बच गया, और यहाँ पर भी बहुत बड़ा सेन बच गया। सारे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो अभी वहाँ पर काम चल रहा है, और जब तक हम अपने परिंदों के पास जाके देखते हैं और कोई नई अपडेट आई है या नहीं, परिंदे कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, और दाना पानी भी उनको डालना है। आ गए जी हम अपनी छत के ऊपर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हमें इंतजार है तो अपने छत डलने का, जैसे हमारी छत डल जाएगी उसके हम ऊपर अपने परिंदे जो है वहाँ पे ले जाएंगे, और बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा सेटअप बनाएंगे, और मैं डेली व्लॉग बनाया करूँगा, डेली कोई ना कोई न्यू चीज़ बनाएंगे हम, और डेली न्यू व्लॉग आएगा और बहुत मजा आने वाला है। तो जिस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर ले। मुझे यहाँ से नजर आ रही है हमारी छत के ऊपर काम चल रहा है माशाल्लाह। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने प्राइस भी देना है, लेकिन प्राइस उसे देना है जो मुझे कॉकटेल सही से बताएगा। तो भाईजान किसी का भी जवाब बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कॉकटेल मैं आपको अब दिखाता हूँ, बल्कि पिंजरे के अंदर जाके दिखाता हूँ कि इस पिंजरे में कितने टोटल कॉकटेल थे। आप वीडियो देखते नहीं है ना, इसलिए आप सबको पता भी नहीं चलता कि टोटल है कितने। माशाल्लाह आप देखें तो ये देखें नी कॉकटेल, एक ये बैठा है, दो तीन वहाँ पे, छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कॉकटेल टोटल है मेरे पास इस टाइम। और आप में से किसी का जवाब भी बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो इस मतलब हफ्ते मेरा 500 रुपया बच गया मुझे। नेक्स्ट अब अगला सवाल मैं करूँगा उसका जवाब आपने बिल्कुल सही सही देना है, ठीक है, और नेक्स्ट मैंने पक्का फिर प्राइस देना है आपको, ठीक है। बाकी आप सबको पता था मेरे पास चित्रों के बहुत सारे बच्चे आए थे, मशीन में भी 20-20 बच्चे निकले थे, और वो मैंने सारे के सारे सेल कर दिए हैं। तोतों के बच्चे भी अभी मेरे पास नहीं पड़े, वो भी मैंने जो तोते होते हैं ना वो करते ही सर्दियों में ब्रीड है, जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी शुरू होगा तभी इनकी ब्रीड आनी शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा घर जब तक कम्प्लीट हो जाएगा, और वहाँ पर अपना जो न्यू सेटअप बनाएंगे ना इनके लिए, फुल कलरफुल करेंगे, बॉक्स को अलग अलग कलर करेंगे, और वहाँ पर जो ब्रीड आएगी ना वो इंशाल्लाह हम जनवरी फरवरी में सेल करेंगे, और वो हमारे छत के ऊपर आएगी हमारे न्यू सेटअप के अंदर। बाकी अगर मैं तित्रों की बात करूं, यकीन करो तित्रों ने फिर से अंडे दे दिए हैं। मैं आपको पास से दिखाता हूं, ये वाला देखो इसने भी अंडे दे के बैठा हुआ है, ये वाली भी बैठी हुई है, इसके अंदर भी ये वाले बाहर घूम रहे हैं अभी। और बाकी अगर देखा जाए तो अभी इन पेयर ने नहीं दिए, ये भी फीमेल देखे जी अंदर बैठी हुई है अंडे शंडे दे के, वो देखे नजर आ रही है आपको, ठीक है। और बाकी बच्चे मैंने सारे सेल कर दिए थे, और ये जो बच्चे हैं ना ये वाले दो बच्चे ये हैं, और ये वाले जो बच्चे हैं ना ये मुझे एक बंदा अंडे दे के गया था, लेकिन ये मेरे ख्याल में रोही जो थे ना वहाँ से कोई अंडे दे गया था मुझे। तो ये वाले जो तित्तर होते हैं ना इनका कद छोटा होता है थोड़ा, जैसे कि मैंने रखे हुए ना ईरानी और दखनी, इनका कद फुल हैवी बड़े वाला होता है, लेकिन ये जो मुझे गिफ्ट आए थे ना ये वाले इनका हाइट इतनी नहीं होती, आप गौर से देखोगे ना। तो ये वाला जो है ये मेरा है, और ये वाले रोही में जो पाए जाते हैं, ठीक है, और इनकी हाइट जो कद होता है इतना फ़र्क होता है इनमें। अब पास से ऐसे छोटा लग रहा है लेकिन है वो भी बड़ा, और ये माशाल्लाह मेरे जो घर की ब्रीड है ईरानी। और ये वाला देखें आप, इसकी हाइट देखें, और माशाल्लाह फुल हैवी किस्म का बड़े वाला है। जावा है, जावा ने मेरे पास अभी तक मेरे ख्याल में ब्रीड ही नहीं की, मेरे ख्याल में ब्रीड नहीं की, या चेक करूँ या नहीं करूँ, आप फिर कभी देखेंगे इसके अंदर चेक करेंगे। बाकी फिंचेस और डव मैंने यहाँ पर इकट्ठी छोड़ी हुई हैं, और देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत सारी हैं मेरे पास माशाल्लाह। ये देखें जी ये वाला जो है पिजन,
बच्चा निकला हुआ है एक माशाल्लाह, ये पता नहीं किसका है, मेरे ख्याल में तो वो जो ब्रायलर टाइप नहीं होते उनका बेबी है ये, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस पिजन की हाइट देखो यार, कमाल है, बहुत बड़ा खूबसूरत है यार ये। अच्छा जी, दो बच्चे जो है ना मैंने फुल ट्रेन करने के लिए उमर भाई को दिए हैं, पहले भी उसने ट्रेन करके मुझे शेरू पिजन दिया था ना, तो अभी दो बच्चे मैंने दिए हैं और वो इनके बच्चे हैं, ये वाला नहीं है पिजन। जैसे ही वो ट्रेन होके आ जाएंगे तो फिर मैं आप सबको दिखाऊंगा उनके प्यारे प्यारे से नाम भी, मैंने आज उमर भाई को बोला है कि रख दें, और आपको थोड़ी सी क्लिप भी उसका दिखा देता हूँ कि वो कैसे उनको ट्रेन कर रहा है। ठीक है, आज का जो प्राइस वाला क्वेश्चन है वो भी मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ। आज मुझे आपने बताना है कि मेरे पास तित्रों के टोटल कितने जोड़े हैं। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं पुरानी तो आप सबको पता होगा, और जिसका जवाब सही होगा ना उसको अगले फ्राइडे मैं इंशाल्लाह 500 रुपया उसके अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक है, बस आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि मेरे पास इस टाइम तित्रों के कितने जोड़े हैं। यार मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से ना मेरा वहाँ पे सेटअप बन जाए, अपना मेरा घर कंप्लीट हो जाए। वो देखें जी माशाल्लाह लगा पड़े हैं, बस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कंप्लीट होगा ना अरे मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे परिंदे नए लाने का सोच रहा हूँ, और भर देंगे, मतलब एक डॉग भी रखेंगे हम इंशाल्लाह। दाने वाले पटोले हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, देख के मेरा नाम भी लिखा हुआ है इस पहली, और यहाँ से दाने लेके अब पिजन्स को थोड़े से डालने हैं हमने, वो मैं यहाँ से लेके डाल देता हूँ। ये लें जी, दाने शाने हमने डाल दिए इनको, अब खाने लग जाएंगे ये। अभी व्लॉग डेली इसलिए भी नहीं बना पा रहा, यकीन मने आप इस टाइम भी हालात देख लें मेरे, फुल गर्मी है, पसीने पसीने हुआ पड़ा हूँ, और पता नहीं शक्ल भी मेरी अच्छी आ रही होगी या नहीं, इसलिए मैं डेली व्लॉग भी नहीं बना पा रहा। लेकिन जैसे ये मौसम भी सर्दियाँ आगे शुरू हो जाएगा और हमने न्यू सेटअप बनाना है अपना परिंदों का, तो इंशाल्लाह बहुत सारा खर्चा भी करने वाले हैं, और व्लॉग भी डेली हमारे पास, कंटेंट भी बहुत सारा है मेरे पास, तो बहुत मज़ा आने वाला है। हम चलते हैं जी नीचे और जाके देखते हैं हमारी छत पे शॉपर वगैरह उन्होंने पूरा डाल दिया या नहीं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का कलाम है। केड़ी शे? नींबू। नींबू कितों? अड्डे तो मंगाया सी कल शामी अब्बू ने किलो। अच्छा, वो कोई पोए हम दो तीन। अच्छा, कोल के दे कोई पान ले के गिलास लाया। नींबू पानी पीना? हां जी। अच्छा। अब्बू नु दिखा रही हूं। हैं अब्बू नु? हां ना कर यार, चल लिया बनवा के लिया। अच्छा अच्छा, ये हमारे मजदूरों के लिए पानी लेके जा रहे हैं अभी। पानी वाला आ गया, 10 रुपए गिलास। गिलास भी ले आ गए ना, 10 रुपए गिलास। ठीक है जी, गिलास भी आ गए। की कहंदे पे सी अंकल तुसी? शदादा लगा फिर तू मेरा भाई है, दिखा जल्दी जल्दी। सब पानी शानी पी रहे हैं और इसके बाद फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ये हमारे घर का पूरा शैतान बच्चा है, यकीन माने इतना शैतान है ना, तो कल मैं आपको वीडियो अटैच करता हूँ, साथ इसके अंदर घुसा हुआ था। ओए इसे, इसके अंदर गए कैसे थे तुम? ओए हैं शैतान के टूटे, ये देखो गर्मी में क्या हाल कर लिया अपना, इसे परिंदों के पास ही रहता है। एक दफ़ा लव यू बोल के दिखा दे सबको। ओए लव यू बोली, लव यू, लव यू बोली, इनको बोलो सब्सक्राइब करो। नहीं बोलना ना, सी जा पे कच्ची दे देना। इसके अंदर घुस गया था ये यार, इसके काम देखो, ये लगा रहता है कि किसी दिन ये मेरे चीकू को उड़ा ही ना दे। अच्छा जी, तो मैं जुमा पढ़ाया हूँ और आज शटरिंग का काम भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने व्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और इनाम के साथ। कमेंट लाजमी करना है आपने। ओके जी, ख्याल रखिए आप सब अपना, अल्लाह हाफिज़।